हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। द फिनोमिना ऑफ फैराडेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंक्लूडेड डेट। फैराडे के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड जो फिनोमिना थे, उससे कंक्लूजन निकलता है कि चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विथ टाइम प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को चार्ज करते हैं, जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड या फिर सेम टाइम पर उसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है। मैक्सवेल पॉइंटेड आउट दैट देयर इज अ सिमेट्री इन नेचर, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम एट अ पॉइंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल ने बताया है कि ये एक सिमेट्री, नेचर का एक सिमेट्री है कि जहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है एट दैट पॉइंट। इट मीन्स दैट चेंज इन वन फील्ड विद टाइम आइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रोड्यूसेस अनदर फील्ड। इसका मीन्स यही हुआ कि जब किसी भी एक फील्ड को अगर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो सेकेंड फील्ड वहाँ पर जनरेट हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। दिस आइडिया लेड मैक्सवेल टू कंक्लूड इट दैट द वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों ही सेम पॉइंट पर, सेम जगह पर, एक साथ एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होती है, produces electromagnetic disturbance in space. These disturbance have the property of a wave and propagate through say space without any material medium. इस disturbance में एक property होती है, ये property एक wave property है, ये wave की तरह होती है, जिसे ट्रांसफ़र होने के लिए या फिर मूव होने के लिए, मोशन करने के लिए किसी भी मटेरियल या मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन वेव्स को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। दे ट्रैवल इन वैक्यूम और फ्री स्पेस विद द स्पीड विद द वेलोसिटी इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं। और फ्री स्पेस और वैक्यूम में ट्रैवल करने के लिए जो इनको वेलोसिटी की नीड होती है, वो वेलोसिटी कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन। Displacement current, विस्थापन धारा। We know that an electric current produces a magnetic field around it. हम जानते हैं कि electric field जो होती है, वो electric field के चारों ओर magnetic field generate होती है। Maxwell shows that a changing electric field must also produce a magnetic field. Maxwell ने ये शो भी कर दिया है कि जब हम electric field को change करते हैं, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती। टू सी हाउ अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइजेस टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। लेट अस कंसीडर द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ कैपेसिटर टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द कैपेसिटर। लेट अस अप्लाई एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज़ करने पर, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टी। इक्वेशन फर्स्ट, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी विच इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर थ्रू विच अ टाइम डिपेंड करंट आई। यहाँ पर
एक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हुआ है। टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, यहाँ पर हमें पी पॉइंट पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। इन अ रीजन आउटसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेट अस कंसीडर अ प्लेन सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस इज आर। माना कि जो प्लेन सर्कुलर लूप है उसकी रेडियस कितनी है आर, उस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर, और इस प्लेस की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है करंट कैरिंग वायर, वायर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। एंड विच इज सेंटर्ड सिमेट्रिकली विथ रिस्पेक्ट टू द वायर, इस वायर से क्या है, ये जो वायर हो रहा है इस वायर के सिमेट्रिकली दोनों तरफ इक्वल है। बाय सिमेट्री द मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्रीटेड अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर लूप एंड इज द सेम इन मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द लूप ऑन द लूप। इफ बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड देन बी इज इक्वल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू बी टू पाई आर, देयरफॉर बी टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी। नाउ कंसिडर अ डिफरेंट सरफेस, अब हम डिफरेंट सरफेस को कंसिडर करते हैं विच इज़ द सेम बाउंड्री, जिसकी बाउंड्री क्या है सेम। दिस इज अ पॉट लाइक सरफेस, ये एक पॉट की तरह सरफेस है, यह हमें पॉट की तरह सरफेस दिख रही है शोन इन दिस फिगर विच नाउ हियर टचेज द करंट बट हैज़ इट बॉटम बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स हुज माउथ इज द सर्कुलर रूप मेंटोन अबाउ। कंसिडर अनदर सच सरफेस विच इज शेप लाइक टिफिन बॉक्स, ऑन अप्लाइंग एम्पियर सर्क्यूटर लॉ टू सच सरफेस विद द सेम पैरामीटर वी फाइंड दैट द LHS टर्म इन इक्वेशन सेकेंड इज द सेम बट द RHS टर्म इज जीरो सिंस नो करंट पासिस थ्रू द सर्फेस। कैलकुलेटिंग बाय वन वे देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, कैलकुलेटिंग बाय अनादर वे द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज जीरो, हैंस एम्पियर सर्क्यूटल लॉ मस्ट बी मिसिंग समथिंग। दिस मिसिंग टर्म्स इज ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सर्फेस एस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इफ ए एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड बी टोटल चार्ज ऑन द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट देन क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। दिस फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज फिगर सी, इट हैज द सेम मैग्नीट्यूड ओवर द एरिया ए ऑफ कैपेसिटर प्लेट। यूजिंग गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस इज गिवन बाय फाई ई इक्वल टू ई ए, देयर फॉर ई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ए, फाई ई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंस द चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स चेंजेस विद टाइम देयर इज अ करंट आई विच इज गिवन बाय आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फोर वी गेट d phi e upon dt is equal to 1 by epsilon naught dq by dt 1 by epsilon naught I or epsilon naught d phi e upon dt equal to I. This is the missing term in Ampere's circuital law. The current given by equation 5 is due to changing electric field. Hence, it is called displacement current. The current carried by conductor due to flow of charge is called conductor current. The source of magnetic field is not just a conduction electric current due to a flowing charges but also time rate of change of electric field. The total current I is the sum of the conduction current denoted by IC and the displacement current denoted by ID. Therefore, I is equal to IC plus ID. Outside the capacitor plate we have only conduction current IC equal to I and no displacement current ID equals to 0. On the other hand, inside the capacitor there is no conduction current, therefore IC equal to 0
एंड देयर इज ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट सो दैट आई डी इक्वल्स टू आई. हैंस बी एट अ पॉइंट पी आउटसाइड द प्लेट्स इज द सेम एट अ पॉइंट एम बिटवीन द प्लेट्स. द जनरलाइज्ड एम्पियर सर्कुलर लॉ इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी. इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी. इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी. इक्वेशन सेकेंड. दिस इक्वेशन सेवन इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ. मैक्सवेल इक्वेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी. इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म. इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी अपॉन डी टी फेराडेज लॉ. इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ. सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्रोत. कंसिडर अ चार्ज ऑसिलेटिंग विथ सम फ्रिक्वेंसी. माना कि कोई एक चार्ज है वो कुछ एक फ्रिक्वेंसी के साथ में क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है. एक्सीलरेटिंग चार्ज इज कॉल्ड एक्सीलरेटिंग चार्ज. दिस प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो ऑसिलेटिंग या एक्सीलरेटिंग चार्ज है वो क्या करता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है. विच प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. और ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट या प्रोड्यूस करता है. विच इन टर्म्स इज अ सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन. द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दस रीजनरेट ईच अदर एज द वेव प्रोपेगेट्स थ्रू द स्पेस. द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव naturally equal to the frequency of oscillations of the charge. The energy associated with the propagating waves comes at the expense of energy of these sources, the accelerated charge. Natures of the electromagnetic wave. From Maxwell equation, it is found that electric and magnetic field in an electromagnetic waves are perpendicular to each other. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं. एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन अलोंग द जेड डायरेक्शन. द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वेरीज साइनसोइडल विद जेड एट अ गिवन टाइम. द मैग्नेटिक फील्ड बी वाई इज अलोंग the y-axis and again varies with z. The electric and magnetic field ex and by are perpendicular to each other and to the direction of z of propagation. This is the diagram of electromagnetic waves where e is electric field and b is magnetic field along x-axis and along y-axis, and electromagnetic waves in z direction. We can write Ex and By as follows. We can write Ex is equal to E naught sine kz minus omega t and By equal to B naught sine kz minus omega t, where k equals to 2 pi by lambda, magnitude of the wave vector or propagation vector. Its direction describes the direction of propagation of the wave and omega equal to angular frequency. The speed of propagation of electromagnetic waves is C equal to omega upon k is equal to 1 by root of mu naught epsilon naught. Here mu naught is permeability of free space and epsilon naught permeability of free space. Since omega equal to 2 pi nu and k equals to 2 pi by lambda, then C equal to omega upon k is equal to 2 pi nu into lambda by 2 pi, or C equal to new lambda. Also it can be shows that B naught is equal to E naught upon C. Here B naught is amplitude of magnetic field and E naught is amplitude of electric field. Properties of electromagnetic waves. Electromagnetic waves are produced by accelerated charge.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सीलरेटेड चार्ज या गतिमान जो आवेश होते हैं उनके द्वारा जनरेट होती है। दे डू नॉट रिक्वायर्स एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रवाहित होने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक ई एंड मैग्नेटिक बी फील्ड वैक्टर्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। हैंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में क्या होती है, राइट एंगल या एक दूसरे के लंबवत डायरेक्शन में होती है, और इनका जो डायरेक्शन होता है उनके प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में होता है। वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इन बोथ ई एंड बी ऑकर साइनस साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिफ्रेक्टेड रिफ्रेक्टेड एंड पोलराइज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगे का विवर्तन, अपवर्तन और पोलराइजेशन ध्रुवणता ये तीनों ही होता है। दे ट्रैवल इन वैक्यूम फॉर फ्री स्पेस और वेलोसिटी 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड गिवन बाय द रिलेशन C=√μ0ε0। सिंस द एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/2 ε0E² एंड द एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड इज B²/2μ0, देर इज अ नॉन जीरो एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पॉजेस एनर्जी एंड मोमेंटम। हैंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सर्ट्स प्रेशर कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। इफ द टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड टू अ सरफेस इन टाइम टी इज यू, इट कैन बी शोज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू दिस सरफेस इज P=μc। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। This is the important topic for our board exam. Electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum is an orderly distribution of electromagnetic waves in terms of wavelength and frequency. Electromagnetic waves को उनके wavelength, उनकी तरंग दैर्ध्य और तीव्रता के अनुसार एक order में क्या किया जाता है, show किया जाता है, उसका distribution किया जाता है, जिसे ही हम electromagnetic spectrum कहते हैं। Electromagnetic spectrum covers a wide range of wavelength or frequencies. There is no sharp division between one kind of wave and the next. The overlapping in certain part of spectrum shows that the particular wave can be produced by different method. We verify describe this different type of electromagnetic wave in order of decreasing wavelength or increasing wavelength. यहाँ पर हमने different types की electromagnetic wave को उनके decreasing और increasing frequency के पर base हमने divide किया हुआ। First is radio waves, second is microwave, third is infrared waves, fourth is visible rays, fifth is ultraviolet ray and sixth is X-ray and seventh is gamma rays. इस पूरे डायग्राम में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने डायग्राम के थ्रू बनाया हुआ है। तो फर्स्ट वेव इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर। जो चालक तार होते हैं, चालक तार में जो हमारे आवेशित आवेश होते हैं या फिर जो गतिमान आवेश होते हैं उनके एक्सेलरेटेड, उनके मोशन के थ्रू रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं। दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन सिस्टम। इन वेव्स का यूज़ हम रेडियो और टेलीविज़न के लिए करते हैं। दे आर जनरली इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 500 kHz टू अबाउट 1000 MHz तक। रेडियो वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 500 kHz से 1000 MHz तक के बीच में होती है। द AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड इज़ फ्रॉम 530 kHz टू 1710 kHz। हायर फ्रिक्वेंसी अप टू 54 MHz आर यूज्ड फॉर शॉर्ट वेव बैंड। टीवी रेंज
टीवी वेव रेंज आर 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज। द एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो बैंड एक्सटेंडेड फ्रॉम 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। सेलुलर फोन्स यूज रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। सेकेंड टाइप ऑफ वेव इज माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स आर शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो शॉर्ट रेंज की या शॉर्ट वेवलेंथ की एक टाइप की रेडियो वेव्स ही होती हैं विथ फ्रीक्वेंसी इन द गीगाहर्ट्ज, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गीगाहर्ट्ज रेंज में होती है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब। ये जो होती हैं वो एक स्पेशल वैक्यूम ट्यूब के थ्रू जनरेट होती हैं। ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ दे आर सुटेबल फॉर द राडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। इनकी शॉर्ट वेवलेंथ होने के कारण इन्हें हम एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए भी यूज करते हैं। राडार आल्सो प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द स्पीड गन्स यूज्ड टू टाइम फास्ट बॉल्स टेनिस सर्व्स एंड ऑटोमोबाइल्स। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन वेरी लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट। माइक्रोवेव्स आर यूज इन माइक्रोवेव ओवन टू कुक फूड। माइक्रोवेव या माइक्रोवेव्स ओवन जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसमें हम माइक्रोवेव्स का ही यूज़ करते हैं। वर्किंग इट इज़ यूज टू कुक द फूड इन अ शॉर्ट टाइम। वैन द ओवन इज ऑपरेटेड द माइक्रोवेव्स आर जनरेटेड विच इन टर्न प्रोड्यूस अ नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फूड विच आर द इलेक्ट्रिक डाइपोल आर एक्साइटेड बाय अ ऑसिलेटिंग टॉर्क हैंस फ्यू बॉन्ड इन द वाटर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन एंड हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। दिस इज यूज टू कुक फूड। इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। These bands lights adjacent to the low frequency or low wavelength end of the visible spectrum. Infrared waves are sometimes referred to as heat waves. Infrared lamps are used in physical therapy. Infrared radiations also plays an important role in maintaining the earth warmth or average temperature through the greenhouse effect. Infrared detectors are used in earth satellite both for military purpose and the observer growth of crops. Electronic devices also emit infrared and are widely used in the remote switches of household electronic system such as TV sets, video recorders and hi-fi system. Visible rays. It is the part of the spectrum that is detected by the human body. ये वो rays या उन rays का part होती है जिसे human eye easily seen कर पाते हैं. Its frequency range from about 4 × 10⁻¹⁴ to about 7 × 10⁻¹⁴ or a wavelength is 700 nanometer to 400 nanometer. Visible light emitted or reflected from object about provides us information about the world. It is produced by the incandescent body. Ultraviolet rays. It covers wavelength ranging from about 4 × 10⁻⁷ down 6 × 10⁻⁻⁰ meter. Ultraviolet radiations is produced by a special lamp and very hot bodies. The sun is an important source of ultraviolet rays. Ultraviolet lights in large qualities has harmful effect on humans. Ultraviolet radiations is observed by ordinary glass. Applications: welders wear special glass goggles or face mask with glass windows to protect their eye from large amount of ultraviolet produced by welding arc.
ड्यू टू इट्स शॉर्टर वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैन बी फोकस्ड इनटू वेरी नैरो बीम फॉर हाई प्रीशियस एप्लीकेशन सच एज लेजर असिस्टेड इन सीटू केरेटो मिलीसियस आई सर्जरी. अल्ट्रावायलेट लैंप्स आर यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्योरीफायर. एक्सरे लाई बियॉन्ड द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इट कवर्स वेवलेंथ्स फ्रॉम अबाउट 10^-8 मीटर डाउन टू 10^-13 मीटर. एक्सरेज आर यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल्स इन मेडिसिन एंड एज अ ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर. एक्सरे डैमेज और डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म. वन कॉमन वे टू जनरेट एक्सरे इज टू बम्बार्डेड अ मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गामा रेज. दे लाइज इन द अपर फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड हैव वेवलेंथ फ्रॉम अबाउट 10^-10 मीटर टू लेस देन 10^-14 मीटर. दे आर द हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड ऑल्सो एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई. दे आर यूज इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स.